हाँ, यहाँ पर क्या लगता है आपको चुनाव का? यहाँ तो जात जीतता गया, आजाद जीतता गया। गोपाल जी क्यों जीतेंगे ये बताइए, आपने जो विश्वास किया उनका? आजाद उम्मीदवार आया, वो खर्चा बहुत कर रहा। प्रदीप चौधरी जन जन के नेता है। अच्छा, क्या लगता है इस बार मौजूदा विधायक चेंज करोगे? नहीं जी, मौजूदा विधायक प्रदीप चौधरी। यहाँ पे जो एमएलए थे हमारे प्रदीप चौधरी जी, उन्होंने यहाँ पे हमारे कालका हलका में एक भी काम नहीं करवाया। अर्थप्रकाश, चुनावी चौपाल में आप सबका स्वागत है। जैसे आपको पता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और हम गांव लेवल पर जा जाकर लोगों का सर्वे कर रहे हैं और आज हम खड़े हैं विधानसभा हलका कालका में और यहां की क्या स्थिति है, यहां से लोगों से हम जायजा लेंगे और यहां से जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है वो श्रीमती शक्ति रानी शर्मा है और श्री प्रदीप चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और मौजूदा विधायक भी हैं। अब हम यहाँ से पता करेंगे कि यहाँ के लोग इस इलेक्शन को, इस चुनाव को किस दृष्टि से देखते हैं और यहाँ पर क्या क्या मुद्दे हैं। और आपका क्या नाम है? कमेश्वर। हाँ जी, आप यहीं पर रहते हो? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं आपको, ये बताइए पहले। दिक्कतें यहाँ पर, दिक्कतें क्या आ रही हैं? रोड थोड़ा नहीं सही है। ऊंची बोलिए। रोड नहीं थोड़ा सही है और सब काम सही है। और और ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि किस किस में मुकाबला है यहाँ पर? कांग्रेस की मुकाबला है। कांग्रेस का मुकाबला, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर कांग्रेस का मुकाबला है और अब हम यहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि वो इस चुनाव को किस दृष्टि से देखते हैं। कालका के अंदर हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर जो सबसे व्यस्तम जगह है वहाँ से पता करेंगे यहाँ के लोग इस चुनाव को किस दृष्टि से देखते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। थोड़ा ऊंचा बोलिए। सर मैं यहाँ का है ही नहीं हूँ। कहाँ का हूँ? नारायणगढ़ से हूँ। अच्छा, नारायणगढ़ की पोजीशन क्या है? नारायणगढ़ में जेजेपी है। जेजेपी है। हाँ जी, आप कहाँ से जी? हाँ, मैं रायपुरानी से जी। रायपुरानी। हाँ, यहाँ पर क्या लगता है आपको चुनाव का? यहाँ तो आजाद जीतता गया। हाँ जी, आजाद जीतता गया। हाँ जी, आजाद वाला। आजाद कौन खड़े हैं यहाँ से? वो गोपाल खंडा। हाँ जी, गोपाल। गोपाल जी क्यों जीतेंगे ये बताइए, आपने जो विश्वास किया उनका? आजाद उम्मीदवार आया, वो खर्चा बहुत कर रहा। खर्चा करा तब जीतेंगे कि काम कर रहे हैं? जब काम की उम्मीद है कि होंगे नवा काम कैंडिडेट आ काम सुने करे, अच्छे काम कर रहे। अब जरा जो पुराने विधायक थे उनसे कार्यशील से खुश थे आप? उन तो सारी सड़क टूटी पड़ी यहाँ, कहीं काम नहीं है। 10 साल में देखा नहीं काम होता कोई। आजाद उम्मीदवार ठीक है। यहाँ के मेन मुद्दे क्या हैं आपको, क्या लगता है जो काम होने चाहिए यहाँ के? सारे महाराज जो लिंक रोड है ना, सब टूटे पड़े। कोई रोड टूटी पड़ी है? सब टूटे पड़े, कोई रोड बड़ा छोटा रोड कोई नहीं किसी गांव का। अच्छा। ठीक है, इस कर का तंग। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र कुमार जी। आप यहाँ यहीं से? हाँ जी। हलका कालका? हाँ जी। हाँ जी, क्या लगता है इस चुनाव में आपको? बस मुकाबला है जी। मुकाबला किस किस में? कांग्रेस और बीजेपी में जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जो स्थानीय मुद्दे, क्योंकि ये मुद्दे हैं ना, जो मुद्दों का चुनाव होता है विधानसभा, तो यहाँ पर स्थानीय मुद्दे कौन कौन से जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है? स्थानीय तो क्या जी, बस यही है जी, रोड टूटे हैं सारे जी। अच्छा जी, कोई सब डिविजन करे सही, पहले बनाने नौ नहीं बनाया जी अब तक। अच्छा जी, बस ये मुद्दे हैं जी, और क्या जी। अच्छा, हमारे यहाँ तो और मुद्दे ही नहीं है जी कोई। यहाँ पहले कॉलेज था जी, वो बन गया, बस स्टैंड बन गया जी। हम बस स्टैंड के सामने खड़े रखे जी, बस स्टैंड घुमाइए। ये कह रहे हैं कि बस स्टैंड अच्छा बन चुका है और चलता भी ठीक ठाक। हाँ जी, हाँ। अच्छा, और ये बताइए, जो भी एमएलए जीतेगा, तो जीतना तो एक इंसान ने है, जो भी जीतेगा आप उनसे कौन सा काम है बीइंग इस हलका कालका के होते कि आपकी इच्छा होगी वो काम जरूर करे? हमारा तो बाबू जी कोई काम नहीं है। आपका नहीं, हलके का? हलके काम है जी, हलके में तरक्की हो जी, कोई फैक्ट्री वगैरह लगे जी कोई। फैक्ट्री का मुद्दा इन्होंने उठाया, बहुत अच्छा मुद्दा है। फैक्ट्री का मुद्दा उठेगा तो रोजगार मिलेगा इस एरिया में। रोजगार मिलेगा जी। हाँ जी, जैसे आपको पता है कि हम रायपुरानी के हलका कालका के बाजारों में घूम रहे हैं और लोग हमसे जुड़ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद जी। कहाँ रहते हो आप? रायपुरानी में। अच्छा, यहाँ पर क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि जो चुनावी मुद्दे हैं मेन मुद्दे? वही देख मारा तो मतलब यहाँ से प्रदीप चौधरी का जोर ज़्यादा हो रहा है और एमएलए भी यही बनेंगे। एमएलए भी? अच्छा, प्रदीप क्यों एमएलए बनेगा ये बताइए, आप उनको वोट क्यों दोगे? वही पहला मतलब बीजेपी ने ऐसा कुछ करा नहीं है यहाँ से, क्या है तो मतलब जनता इससे दुखी है। अच्छा,
तो देखिए, इन्होंने कहा कि हम दोबारा से प्रदीप चौधरी पर विश्वास करेंगे। लगता है ये चुनाव है जो? ये चुनाव तो बस विकास के मुद्दे पे जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन विकास कर सकता है? कांग्रेस ही लग रही है। विक्रम जी कहाँ रहते हो? रायपुरानी यहीं का रहने वाला। अच्छा, क्या ये जो चुनाव हो रहा है विधानसभा, तो ये चुनाव को आप किस दृष्टि से देखते हो? हम तो जो विकास के दृष्टि से देखते हैं, अब पहले कांग्रेस की सरकार नीचे तो है नहीं थी, ऊपर तो बीजेपी की थी, तो यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ जी। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, अब तक कोई विकास नहीं है, क्योंकि वो बोल देते हैं, प्रदीप चौधरी भी जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी तो सरकार नहीं है। अब जिसकी सेंटर में सरकार है, हम तो सोचते हैं तो अब ये बताइए, अब जो चुनाव है आपके यहाँ पर हल्का कालका में, मुख्य उम्मीदवार प्रदीप चौधरी जी हैं कांग्रेस से और बीजेपी से शक्ति रानी शर्मा जी, तो आप ये बताइए दोनों में से किसका पलड़ा भारी लग रहा है? हमें तो जी शक्ति रानी का लग रहा है जी। शक्ति रानी, इन्होंने बीजेपी का नाम लिया है शक्ति रानी का। हाँ जी, नमस्कार, आपका नाम? काला जी। कहाँ रहते हो? टाबर। हल्का कालका। हाँ जी, ये तो कहाँ, गाँव से हो? गाँव में क्या माहौल है? कांग्रेस का क्यों है? कांग्रेस जी काम पहले पिछले बार भी काम करवाया उसने, आपके बार भी काम करवाएगी। आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव के मेन मुद्दा आपका जो इस एरिया का कालका का क्या होगा, जो आप चाहते हो अपने विधायक से वो काम कराएं? तौर पे जाते हैं जी, हमारे जो रायपुर रानी में आने वाले टाइम में जैसे ये बस स्टैंड पे घिराव हुआ है, इसका समाधान हो ना, यहाँ पार्किंग है बस स्टैंड के लिए, पार्किंग है नहीं, ठीक है। इन्होंने भी कहा कि बस स्टैंड की पार्किंग नहीं है, लेकिन जब नया विधायक आएगा हम उनसे मांग रखेंगे यहाँ पर पार्किंग भी हो। जैसे आपको सबको पता है कि हम सुबह से कालका विधानसभा क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं और हम यहाँ से लोगों की राय पूछ रहे हैं कि जो ये विधानसभा चुनाव है वो चुनाव किस तरफ जा रहा है। और हमारे बीच में नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम राय सिंह चौधरी है, प्यारे वाले से। हल्का कालका। ये बताइए कालका के जो मेन मुद्दे क्या है जिसके ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है, और ये बताइए कि जो ये चुनाव है ये चुनाव किस तरफ हो जा रहा है? कालका के अंदर काफी मुद्दे हैं, यहाँ बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है कालका में, पिंजौर के अंदर महंगाई की समस्या है, तो युवाओं को जो आजकल नशे की तरफ युवा जा रहे हैं, इस सरकार की देन है नशा, तो ये काफ़ी मुद्दे हैं जिनके ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। महंगाई आपके सामने चरम सीमा पर है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, ये कालका में HMT भी आपकी तरफ ही आ रहा है ना? HMT सरकार ने बंद करने का काम किया है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर HMT या कोई ऐसी इंडस्ट्री आ जाए जिससे बेरोजगारी दूर हो, ऐसा कोई आपके दिमाग में? बहुत जरूरी है यहाँ पर इंडस्ट्री का आना, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसे देखते हैं, प्रदीप चौधरी जन जन के नेता है, जब से उन्होंने 91 से चुनाव लड़ा था, चाहे वे चुनाव जीते चाहे चुनाव हारे, मगर वो जनता के बीच में रहे, हमेशा जनता के मुद्दे उठाते रहे। जब वो विधायक बने, ये हमारे हलके की बदकिस्मती रही कि जब वो विधायक बने अपोजिशन में रहे, सरकार जो है दूसरी पार्टी की बनी, मगर उन्होंने फिर भी जो जनता से जुड़े मुद्दे थे उनको विधानसभा में हमेशा उठाने का काम किया। और आपने बात की है बाहरी उम्मीदवार की, शक्ति रानी की, ये शक्ति रानी तो एक बाहरी नहीं, क्या ये आप कह रहे हो, हमने कहा भारतीय जनता पार्टी, आप भी कह रहे हैं जी, आप भी कहोगे, सभी को पता है कि ये बाहर से आई है। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, पहले इन्होंने चंडीगढ़ को लूटा, चंडीगढ़ छोड़ा इन्होंने, फिर इन्होंने पंजाब में बनूड़ से चुनाव लड़ा। अच्छा जी, बनूड़ से चुनाव लड़ा, जनता ने इनको इसलिए जिता दिया कि पैसे वाले काम करेंगे, मगर वहां पे भी इन्होंने जो है अपना धक्केशाही करने का काम किया, लोगों को लूटने का काम किया, और लोगों ने 5 साल के बाद इनको वहां से चुनाव में हरा दिया। उसके बाद ये अपना बोरिया बिस्तरा बांध के ये अम्बाड़ा चले गए, नहीं पहले अपना राज्यसभा में गए पैसे के बलबूते पे, वहां पे केंद्रीय मंत्री बने, और उसके बाद जो इन्होंने गुंडागर्दी की वो पूरे हिंदुस्तान ने देखी है, तंदूर कांड को आज भारत की जनता भूली नहीं है। मुझे वो हर सुख में दुख में साथ देते हैं, अभी जो टिकट का है पार्टी कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर दोबारा विश्वास दिलाया ग्राउंड रिपोर्ट लेके, आज की डेट में पिछला इलेक्शन था जो हम हर बूथ पे जीत के आगे बराबर आए थे, मोरनी ब्लॉक से जाकर 2000 वोट से, मोरनी ब्लॉक से 2000 वोट से लतिका मैम लीड लेके आई थी, रायपुरानी ब्लॉक ने 10000 वोट से लीड दी थी, इस एरिया से लीड गई थी, ब्लॉक से लीड दी थी, और हम 6000 के वोट के लगभग जीते थे। अब की बार स्थिति ये है, क्योंकि मैं दो प्लान सरपंच रह चुका हूँ,
प्रदीप जी, जो प्रदीप जी में क्वालिटी है वह अदर किसी में क्वालिटी नहीं है। शक्ति रानी पहले भी आई है, शक्ति रानी का आज स्थिति क्या हो रही है, दबका मारना जो अंबाड़े में स्थिति पैदा करके जो कालका में करनी चाहती है। कालका के लोग बकाऊ नहीं हैं, पहले वो सोचते हैं भी मैं कालका को खरीद के जैसे मैंने टिकट लिया है उसी तरह मैं यहाँ से इलेक्शन जीत दूंगी। तो आपने बोर्ड ही बात की, अब हमारे बीच में। हाँ जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो विजय मोहन वर्मा। हाँ जी विजय मोहन वर्मा। विजय जी कहाँ रहते हो? रैपर नहीं, मैं तो ब्लॉक किसी और की लो स्टेटमेंट। हम तो बस कोई ना, फिर क्या हो गया, राहुल गांधी तो आ रहे हैं जी। नहीं फिर मैं को संजय। अच्छा हां जी, हां जी वो बीच काट दिए ला। हां हां, क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय राणा है, गांव बटौना, नंबरदार बटौने से। अच्छा एक हल्का हल्का कालका। अच्छा ये बताइए, चूंकि ये विपक्ष प्रदीप चौधरी एमएलए थे लेकिन गवर्नमेंट दूसरी पार्टी की थी, तो इन्होंने ये सभी कह रहे हैं, सभी दुख दुख सुख के साथी रहते हैं, तो उन्होंने कौन सा काम कराया अपने जो फंड्स होते हैं एमएलए कहते हैं उसमें से कौन सा काम कराया? ऐसा है जी, जो एमएलए कोटे के जो उनको फंड मिलते हैं उन्होंने लगभग हर पंचायत में, वो गांव के विकास के लिए उन्होंने हर पंचायत में अपने तरफ से फंड दिए हैं, चाहे वो गलियों की बात है चाहे किसी धर्मशाला की बात है, तो उनके लिए उन्होंने जो इनका एमएलए कोटे के जो फंड आए उन्होंने लगभग सभी पंचायतों में पैसे दिए, जिस तरह की पंचायत थी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो आप ये बताइए, उन्होंने 25 करोड़ के काम कराए सड़कों के। अच्छा ठीक है, बढ़िया। हल्के काम तो 25 करोड़ के काम तो सभी। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब दोबारा से प्रदीप चौधरी एमएलए बनते हैं तो आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हो अपने एरिया की? एक ऐसा भी एक एक करके सारे बोलेंगे जी, अपने अपने एरिया की कौन कौन सी अपेक्षा रखते हो, हमारे एरिया में काम हो प्राथमिकता के आधार पर? ऐसा सबसे प्रथम तो हमारे जो नौजवान है, जो रोजगार, जिनको पिछले 10 साल में युवा जो भटक चुके हैं और आज वो रोजगार ना मिलने के कारण इस पिछली सरकार ने एक भी जो है पक्की नौकरी। आप क्या काम कहो चाहो, वही कह रहा हूँ मैं, रोजगार की बात है और विकास की बात है और रायपुर रानी को जो है मेन जो है सब डिवीजन की बात है। सब डिवीजन की मांग रखोगे? सब डिवीजन की मांग, हाँ सब डिवीजन, सिवरेज, कई मुद्दे हैं। आप बोल रहे हैं आगे मोशन में, धीरे धीरे डीजल गाड़ी रमा हो रही है गाड़ी डीजल की, कई मुद्दे हैं रायपुर रानी के विकास के, सभी मुद्दे। आप बताओ प्रदीप चौधरी के बनने के बाद आप जाओगे बधाई देने हमारे बीच में? हाँ, नहीं बीच तो फिर तो छोड़ते तो होनी, क्या काम कहोगे कि राय पुरानी का बढ़िया काम हो जाए? पॉलिटेक्निक है यहाँ पर, पॉलिटेक्निक भी जो भी शिक्षण संस्था की अगर कोई होता वो भी होगा। अच्छा। जैसे भाई साहब बताए सब डिवीजन इस इलाके की सबसे बड़ी मेन मुद्दा है। अच्छा। सीवरेज का मेन मुद्दा है। अच्छा मुझे ये चीज जाना, हम नारायणगढ़ गए थे उन्होंने कहा था एनडीसी होती है उधर, इधर भी वही चक्कर है? ना ना। अच्छा तो हमारे बीच यहाँ से हम जो एक पैराफेरी एक्ट का मुद्दा है जिसमें टाउन एंड प्लानिंग आगे आगे लोगों को तंग कर जैसे अपना कोई मकान बनाते हैं, ये सभी मुद्दे समापन होंगे प्रदीप जी के आने पर। अब हम देखिए, एक ये चौपाल है जब हम बैठे हैं और यहाँ से सबकी राय लेंगे कि ये इलेक्शन जैसे जनता कह रही है कि प्रदीप चौधरी के पक्ष में जा रहा है, ये जनता कह रही है हम नहीं कह रहे, अब हम सबकी राय लेंगे अगर ये इलेक्शन ऐसे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी स्थितियां जहां पर ये सभी जनता कह रही है कि इलेक्शन प्रदीप के पक्ष में जा रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? सतीश कुमार जी। हल्का कालका जी। अच्छा क्या लगता है इस बार मौजूदा विधायक चेंज करोगे? नहीं जी, मौजूदा विधायक प्रदीप चौधरी। मौजूदा प्रदीप चौधरी, प्रदीप चौधरी क्यों? ये अच्छे आदमी है, लोगों के मिलनसार है, लोग अच्छे नहीं है? नहीं बाकी बाहरी आदमी है जी, बीजेपी स्थानीय, इन्होंने कहा कि बाकी बाहर के हैं ये स्थानीय नेता है हमारे। अच्छा ये बताइए पिछले 4-5 साल में प्रदीप जी ने यहाँ पर कौन सा काम किया? सरकारी नेतिया जी, काम तो किए हैं उन्होंने जी, जो लोगों के जो छोटे मोटे काम तो वो तो किए हैं लोगों के साथ। तो आप ये बताइए जो एमएलए बन गए तब आप क्या सरकार बनने के बाद तो उम्मीद रखोगे ना, तो आपने पहले भी कापी पेंसिल बना लिए होंगे प्रोग्राम, हम पहले तैयार हम ये काम कहेंगे आप याद तो कराओगे? बिल्कुल, जिसको बहुत काम है जी, बेरोजगारी काम है वैसे भी हमारा हल्का है कैसा, जब ये 24 साल एमएलए बनते हैं सरकार दूसरी आ जाती है। अब की बार लेकिन ऐसा नहीं होगा, अब की बार 24 साल एमएलए बनेंगे और सरकार भी कांग्रेस की आएगी। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अजमेर सिंह है जी। कहाँ रहते हो? माणिकटपुरा जी। हाँ जी माणिकटपुरा गाँव है। हाँ जी, क्या क्या दिक्कतें हैं वहाँ पर? हैं जी दिक्कतें क्या क्या हैं? दिक्कतें तो सारी थी जी, आई इस सरकार में कोई गली नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई किसी का काम नहीं, ना किसी लड़के में भर्ती, कोई कुछ नहीं। गवर्नमेंट तो कह रही बगैर खर्ची पर्ची हमने नौकरियां दी हैं, उसको कैसे देखते हो? किसने जी? हाँ जी सरकार, सरकार झूठ बोल रही है जी। झूठ बोल रही है? आपके गांव में कोई लगे हैं? हैं कोई नहीं लगे है। पक्के कच्चे को नहीं
ना कोई नहीं लगा पक्का कच्चा। अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज बताना, जैसे ये मैंने नारायणगढ़ भी गया था, ये सारी बेल्ट ना अपने गुजरों की है, सारे सभी के घरों में दूध है, सारे डंगर नहीं होते, डंगर पंजाबी कहते हैं, तो यहाँ भी इसी एरिया में, तो आपको लगता है कि अगर सरकार बनती है तो यहाँ पर कोई पशु जो होता है अस्पताल अपग्रेड वाला, ये नहीं जैसे ये डिस्पेंसरी है, ये अच्छे वाला जैसे अल्ट्रासाउंड भी हो, एक्सरे भी हो, इस तरीके का भी होना चाहिए। हाँ जी, ये मांग रखोगे प्रदीप जी से? हाँ जी रखेंगे जी। हल्का हल्का काल का मोरनी? मोरनी नहीं, काल का नहीं, हल्का काल का नहीं, एरिया मोरनी वाला ब्लॉक रायपुरानी, रायपुरानी जी जी। तो ये बताइए, जो किसान आंदोलन हुआ है यहाँ पर, तो वो मुद्दा इस चुनावों में होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। अब ये कह रहा होवेगा, पहले बोलिया नहीं, अब कह रहा होवेगा, सारा मिल जाए दूसरे बंदे का। हाँ फिर सारा मिल जाए, बोले इस बार के होवेगा। अभी सुनो भाई साहब, के गवर्नमेंट ने खरीद रखी थी जीरी की, के हम 25 तारीख से खरीद शुरू करेंगे। जीरियां मंडी में आ गई, जीरी पक्की खड़ी है, ऊपर से बरसात की भी मार, लार्वे में भी दिक्कत आई थी, लार्वे में बताया था हमें उन्होंने, बरसात की मार पड़ गई, लोगों की जीरियां कटी पड़ी है। गवर्नमेंट ने 25 तारीख छोड़ के अब पहली तारीख दे दी। अच्छा, वो बोलते हैं कि हम हाँ हम खरीद पहली तारीख से करेंगे। देखो कितना डिले कर दिया, जीरी पक्की खड़ी है, खेतों में गल गई, उधर बारिश पड़ गई, बारिश में सारी की सारी खराब हो गई, और मंडियां में जो पड़ी हैं, अब आरती बोलता है मेरे को पर क्विंटल 45 रुपया कमीशन आती है। अच्छा, ठीक है नहीं, और उसका खर्चा अगर वो अपने पल्ले से भी जिमींदारों की भर के रखता है तो उसका 100 रुपये खर्चा आता है। अच्छा, एक क्विंटल पे 3 तो उसके बारदाने चले गए, और उसको फिर उनको लेबर वालों को देना पड़ गया। फिर जब गवर्नमेंट की खरीद होएगी उसको उनको चेंज करना पड़ गया, लेबर तो उसकी लगेगी, ठीक है कि नहीं। तो क्यों नहीं किसान आंदोलन वाला मसला क्यों नहीं आएगा? किसानों के साथ तो अभी अच्छा नहीं कर रहे, अभी भी तो माड़ा कर रहे हैं। क्या माड़ा कर रहे हैं? खरीद नहीं करी भाई साहब जीरी की, खरीद नहीं की जीरी की। अच्छा, इससे बड़ा माड़ा काम जिस आदमी ने 6 महीने से इंतजार में बैठे हैं, 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं अपने खेत में, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जीरी उठाने से मना कर दिया, कहता है पहली तारीख से खरीद करेंगे, तो इससे ऊपर किसान के साथ क्या माड़ा? पहली का भी पता नहीं है, पहली का कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म नहीं आगे ना हरियाणा के, कन्फर्म कोई नहीं है जी, कोई कन्फर्म नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जमींदार के साथ इससे ऊपर और गलत क्या करेंगे। अच्छा, और गांव की क्या दिक्कतें हैं? जैसे मोरनी वाला एरिया आपका, वहाँ पर बसों की भी दिक्कत आती है काफी। अच्छा, अब आप हमारे कालका की बात लगा लो, मोरनी के अंडर जितना एरिया आता है, यहाँ पर MLA कांग्रेस का, ठीक है कि नहीं। अब उनके कहने से अब कोई भी सरकार नहीं चाहती कि दूसरे MLA का काम हो, इन्होंने काम नहीं कराए, सड़कें टूटी पड़ी, ये तो गवर्नमेंट कराएगी, MLA के बस की बात तो नहीं है, गवर्नमेंट पैसा देगी, टेंडर देगी, तभी काम होंगे। स्थिति बता दी कि भाजपा की स्थिति अच्छी है, तो आप कैसी अच्छी है ये बताइए, आपने ये बात कही है ना, आपको बताना ही पड़ेगा, अगर अच्छी है तो क्यों अच्छी है ये बताइए। देखिए, हमारे यहाँ पे 2014 से 19 तक तो हमारा अपना MLA था, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, परंतु 2019 के बाद और 2024 तक यहाँ पे जो MLA थे हमारे प्रदीप चौधरी जी, उन्होंने यहाँ पे हमारे कालका हलका में एक भी काम नहीं करवाया। वो तो कह रहे थे विपक्ष में है इसलिए नहीं काम हो सके। विपक्ष में नहीं, देखिए 5 करोड़ की वार्षिक ग्रांट MLA के पास आती है और 5 साल की 25 करोड़ आती है, तो 25 करोड़ MLA का कोटा होता है कि उसने अपने काम करवाने होते हैं। विपक्ष का कह के हुए काम नहीं सरने वाला, काम तो होता है कि पब्लिक 2 लाख की पब्लिक उनको नुमाइंदा चुन करके भेजती है और उनका फर्ज होता है कि वहाँ पे जाकर के हमारी लड़ाई लड़े और हमारा कार्य करवाएं, परंतु वो कुछ भी नहीं, विपक्ष में नहीं, विपक्ष में कह के नहीं हमारी नहीं चलती, ये कह के नहीं चलेगा। पन्न में सीवरेज का मुद्दा, तहसील का सब डिवीजन वाला मुद्दा और रोजगार का मुद्दा, डिस्पेंसरी का मुद्दा, ये तीन चार मुद्दे हैं रायपुरानी के, रायपुरानी के 3-4 मुद्दे हैं। देखो ऐसा है जी, पहली बात तो अपने कालका हलके में ही बहुत मुद्दे हैं, अपने ब्लॉक रायपुरानी के बहुत मुद्दे हैं और अपने गांवों में बहुत मुद्दे हैं, क्योंकि पिछली 2 बार यहां से प्रदीप चौधरी MLA रह चुका है, एक तो पहले रह चुका है, एक मतलब 2019 से 2024 तक है, अभी है वर्तमान में, तो उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसको BJP ने एक लेवल बनाया था कि जो भी मान ले ग्रांट है वो मौजूदा MLA को मिलेगी, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो, मगर उसने उसका
सदुपयोग नहीं किया, पर ग्रांट का उसने दुरुपयोग किया है। मतलब कहीं भी कई ऐसे अपने हलके में रह पुरानी ब्लॉक में कोई ऐसी सड़क ट्यूबवेल या गली सरपंच को किसी को कोई ग्रांट नहीं दी, ना कोई ऐसा कार्य किया जिससे लोग कोई उसकी बातों से खुश हों या कोई उसकी तारीफ करे। हैं पिंकी शर्मा जी, आप ये बताइए, युवा महिला शक्ति, महिला शक्ति भी और महिला शक्ति रानी भी, हम महिला शक्ति कह के महिला शक्ति रानी कह, ये बताइए, महिला शक्ति रानी, हम महिला शक्ति रानी है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि शक्ति रानी आने से इन महिलाओं में कितनी शक्ति आई है, पहले ये बताइए। बहुत शक्ति आई है, इतनी शक्ति आई बता नहीं सकते आपको। अच्छा, इतनी लेडीज उनको समर्थन कर रहे हैं इस टाइम, जो घर से बाहर नहीं निकलती थी वो बाहर आके उनके लिए वोटे मांग रहे हैं कि शक्ति रानी को बनाओ। जो हमारे बच्चे के, हमारे बच्चों को जो नशे की आदतें डली हुई हैं उससे मुक्ति चाहते हैं। जो शक्ति रानी ने हमसे वादा किया है कि जब मैं आऊँगी तो ये नशा मुक्त करा देंगे, तो इसलिए हम सारी महिलाएं इस चीज़ के लिए उनके साथ लगे हुए हैं। महिलाओं को पूरा सम्मान जो दिया है बीजेपी सरकार ने ही दिया है, मोदी जी ने मान सम्मान जो दिया है, पढ़ी लिखी पंचायतें दी हैं, सारा सम्मान जो है महिलाओं को मोदी के द्वारा ही मिला है। और शक्ति रानी जी को उन्होंने महिलाओं के बीच में प्रतिनिधित्व करने के लिए जो, लतिका भी तो शर्मा वो भी तो महिला थी जी। बिल्कुल थी। हाँ। इसमें कोई दोहराय नहीं है। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क यही है, ब्राह्मण है दोनों, ये दो ब्राह्मण छोड़ के फर्क बता दो। फर्क तो यही है जी, उनका आपको दिखाई दे रहा है जनसलाभ। और जब लतिका मैडम शुरू में आए थे तो उनके, उनको भी हमने जिता के भेजा था। ये तो जनता, ये तो हमारे ऊपर का फैसला। शुभ हो, बिल्कुल जी, शुभ हो, बिल्कुल, लतिका के लिए भी शुभ हो, शक्ति रानी के लिए भी शुभ हो। मैं ये कहना चाहूंगी इस टाइम, तो बात कही है इन्होंने, हाँ जी, इस टाइम में जो हमारे पास ये टिकट दे के भेजा गया है, जो हमारे सामने कैंडिडेट है, हम तो उनकी बात करेंगे इस टाइम में, और उनको हम भारी मतों से यहाँ पे जिता के भेजेंगे, क्योंकि मान सम्मान जो है मोदी जी के द्वारा हमें मिला है। हाँ जी, नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? मनीषा, रायपुरानी से। रायपुरानी से। आप ये बताइए कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं और जो सामाजिक कल्याण की जो घोषणाएं केंद्र सरकार कर रही है, बगैर खर्ची पर्ची, हाँ जी, नौकरियां मिली हैं, हाँ जी, सच बोली, हाँ जी, घबराने की गल नहीं, हाँ जी, थोड़े पिंड च किन्ने बंदे नूं मिली है? मेरे पिंड में जी बीजेपी सरकार में मिली है, उससे पहले सरकार छोड़ कितने लोगों को मिली है? छह बंदों को मिली है। छह बंदे मिली है, हाँ जी, जी जाके पूछे बंदे मिला दूंगा। हाँ जी, मिला देंगे। पक्का? पक्का जी। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, अब आपको क्या लगता है यूथ के लिए क्या क्या काम होने चाहिए आपके? एक तो बच्चों के लिए जी सुविधा होनी चाहिए, जो स्कूल से आते हैं। क्या सुविधा चाहिए? बच्चे नदी पार करके आते हैं, तो रामपुर ठड्डे स्कूल हो गए, पुल नहीं बने। कौन से गांव में पुल नहीं बने? रामपुर का नहीं बना है। अच्छा, और अपना ये देवबड़ गणोली से आता है एक रास्ता बीच में, वहां पे नहीं बना है जी, एक दो मोड़नी की तरफ नहीं बना है। इन्होंने सबसे बड़ी बात है कि अगर ये कह रहे हैं ना कोई काम नहीं हुआ, तो इन्होंने उन गाँव के नाम भी बताए हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो, इन्होंने गांव के नाम भी बताया, भाई पुल होने चाहिए, पुल तो मूलभूत सेवाएं तो होनी चाहिए। बच्चे दिक्कत आती है जी, उनको उनके घर वाले लेके आते हैं वहां से। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अब आप आइए जी, अब आपकी जरूरत है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जितेंद्र नाथ शर्मा है। अच्छा, पेशे से डॉक्टर हूँ। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब मैं जो प्रश्न करूँगा कि लतिका की टिकट काट कर इनको मिली, क्या लतिका उसी एनर्जी के साथ लगी हुई है सिलेक्शन में? लतिका उसी एनर्जी के साथ तो नहीं, लेकिन पार्टी के साथ है। पार्टी के साथ बिल्कुल है, क्योंकि जब टिकट मिली थी पार्टी के अंदर बहुत लोग जो हैं आस्थावान होते हैं, वो आसानी से इधर उधर होने वाले नहीं होते। नहीं, पर नाराजगी तो होती है ना। अरे नाराजगी तो घर के अंदर भी, अगर पांच लोग हैं पांचों नहीं कई बार सहमत होते, तो ये तो लाखों आदमियों में से टिकट तो एक को मिलेगा, सबको तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो जिसको टिकट मिला है, हमें ना लतिका से वैर है ना लगाव है। वैर की बात नहीं कर रहे। नहीं नहीं, सुनो बात तो सुनो, ना हमें शक्ति रानी से वैर है या लगाव है। हमारा कैंडिडेट तो कमल का फूल है, जिसको पार्टी ने ओन किया, हम सभी मिलके उसके साथ हैं। पूरे संकाय नहीं है, संकाय का मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल, हाँ, उसके यानी अलग अलग क्लासेस नहीं है, तो एक वो उसके अंदर पूरे संकाय हों। आर्ट तो है, जैसे कॉमर्स है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, ये इस तरह की जो है सारे संकाय हों, उसकी पूरी व्यवस्था हो। ये तो ये बात अपने शर्म डॉक्टर साहब ने बहुत पूरे विस्तार पूर्वक बताई इस हलका की, हलके की भौगोलिक स्थिति के बारे में, और यहाँ पर जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं,
उसके बारे में, और कम से कम इसके बाद हमारे कालका विधानसभा के लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि ये चुनाव किधर को जा रहा है। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, और जैसे आपने देखा कि यहाँ के हल्का कालका के लोगों ने अपनी अर्थ प्रकाश की चुनावी चौपाल पर एक स्पष्ट रूप से अपने विचार साझा किए, और आपको पता चल गया होगा काफ़ी हद तक कि यहाँ का चुनाव किस तरफ जा रहा है। मेरी डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा की हल्का कालका से रिपोर्टिंग।